सलमान खान का सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। क्या लगता है कि बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान का बारी है? 142 करोड़ का हिंदुस्तान है और जेल में बंद एक कैदी पूरे हिंदुस्तान की छाती पर मूंग दल रहा है। वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, किंग खान कहे जाते हैं सलमान खान, क्या वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं? इस लॉरेंस बिश्नोई से ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि उससे अपनी सुरक्षा, सलमान खान जिनका एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही उनका अपना रुतबा रहता है, फिर भी जो है कि सलमान खान उससे डरते हैं। सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए। जब कंगना रनौत जैसी औरत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल सकती है जो उल्टा सीधा बोलती रहती है, तो सलमान खान को क्यों नहीं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जेल से ही ऑडियो वायरल हो जाता है, कभी वीडियो वायरल हो जाता है, वीडियो कॉल पे बात करते हुए वो वीडियो वायरल हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा कांड कर देता है जेल में बैठे बैठे, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई को कोई कुछ क्यों नहीं करता या फांसी का सजा क्यों नहीं दे दिया जाता है? कि अपना भोकाल टाइट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई खुद ऐसी ऐसी बातें उड़ाता है। अब जैसे मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ यूट्यूब वाले भी चला रहे थे कि अतीक अहमद की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं करा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के ऊपर जो है कि जानलेवा हमला करने का तैयारी किया जा रहा है। सब लोग जो है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कई लोग जो है कि लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का सब लोग डीपी भी लगाने लगे हैं, सब लोग उसका अपना पता नहीं क्या मान रहे हैं। बाकी सलमान खान अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बाकी अभी एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी के पास हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सलमान खान पे क्या सच में जो है कि हमला हो सकता है कि क्या हो सकता है, और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो है कि सलमान खान का सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी वही मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। अभी जो विजयादशमी बीती है, उस विजयादशमी में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई मुंबई के बांद्रा इलाके में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके थे और बाबा सिद्दीकी के बारे में दर्शकों को मैं बताऊं कि ये मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे, गोपालगंज के, और एक साधारण परिवार से आते थे। बाद में बम्बई इनका परिवार शिफ्ट कर गया और वहाँ इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में इन्होंने काफ़ी दौलत कमाई और फिर राजनीति में आ गए थे, और राजनीति में इनको सुनील दत्त का आशीर्वाद मिला। सुनील दत्त जो फिल्म अभिनेता भी थे, सांसद मंत्री भी रहे, सुनील दत्त के आशीर्वाद से बाबा सिद्दीकी ने बहुत मतलब तरक्की की। और उसके बाद ये 3 बार विधायक रहे, बांद्रा वेस्ट से, बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे, फिर कुछ समय मिनिस्टर भी रहे। फिर इनका बेटा जीशान सिद्दीकी अभी बांद्रा ईस्ट का विधायक है। देखिए, बाबा सिद्दीकी की एक और पहचान थी कि बम्बई में जो उनकी इफ्तार पार्टियां होती थी वो बहुत मतलब शानदार होती थी। दर्शकों को पता होगा कि मुसलमान लोग रमज़ान के महीने में सूरज डूबने के बाद जो रोज़ा खोलते हैं उसको इफ्तार कहते हैं। तो बाबा सिद्दीकी इफ्तार की शानदार पार्टियां देते थे, उसमें बॉलीवुड की हस्तियां आती थीं। और कहते हैं कि 2013 में जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच तनातनी थी तो इन्होंने दोनों की दोस्ती करवाई थी। तो एक बड़े शख्स थे, एक बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी, और उनकी इस तरह से हत्या हो गई तो पूरे देश में हंगामा मचा है, जो स्वाभाविक भी है। और इसमें जो हत्या में जो शक की सुई है वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर आई है। 3 शूटर्स पकड़े गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है जी। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है और ये जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाता है। कहते हैं कि 700 शूटर्स हैं इस गैंग के, और इसका जो दाहिना हाथ है गोल्डी बरार वो कनाडा में रहता है। अच्छा सर, एक बात हमको नहीं समझ में आता है, लॉरेंस बिश्नोई का पूरा देश में नाम चलता है, जलवा जलाल है एकदम कि लॉरेंस बिश्नोई, जितनी भी हमारे देश में बड़ी बड़ी हत्याएं होती हैं उस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जो है कि अपने आप कबूल भी कर लेता है कि ये हमारा ही किया धरा है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है कि लॉरेंस बिश्नोई का जेल से ही ऑडियो वायरल हो जाता है, कभी वीडियो वायरल हो जाता है, वीडियो कॉल पर बात करते हुए वो वीडियो वायरल हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा कांड कर देता है जेल में बैठे बैठे, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई को कोई कुछ क्यों नहीं करता या फांसी का सजा क्यों नहीं दे दिया जाता है? इसकी वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री नकारा हैं, हमारे गृहमंत्री नकारा हैं, नकारा लोग ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ गए हैं। देखिए, यही नरेंद्र मोदी इतना हाँकते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना। गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल हैं कहते हैं कि मोदी जी तो एक फ़ोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो इतना यदि मोदी जी का भोकाल है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे तो जरा लॉरेंस बिश्नोई पर भी कंट्रोल करके दिखाएं। उसी तरह जो हमारे तड़ी पार गृहमंत्री अमित शाह, वो भी नकारा साबित हो रहे हैं। 24 घंटे उनका ऑपरेशन लोटस में ही खर्च होता है कि किस तरह पार्टियों की सरकार गिरानी है, विपक्षियों की सरकार गिरानी है, किस तरह विधायक खरीदने हैं, किस तरह 50-50 करोड़ में एक एक MLA खरीदना है,
तो देश का जो होम मिनिस्टर है वो 24 घंटे ऑपरेशन लोटस में बिजी है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो वैसे ही नकारा साबित हुए हैं। तो जब देश की ऊंची ऊंची कुर्सियों पर नकारा लोग और नालायक लोग बैठ जाएंगे तो यही होगा। देश में 142 करोड़ का हिंदुस्तान है और जेल में बंद एक कैदी पूरे हिंदुस्तान की छाती पर मूंग दल रहा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद और सलमान खान पे जिस तरीके से वो उनका भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके अपार्टमेंट में जो गैलेक्सी मुंबई में इनका अपार्टमेंट है वहाँ पे गोलियां भी चलाई गई थी और वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के द्वारा ही काम किया गया था। उसके बाद उनका जो अपार्टमेंट है पूरा आगे से ढक दिया गया और उसके बाद सलमान खान का सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। क्या लगता है कि बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान का बारी है? नहीं, सलमान खान के पर तो बहुत दिनों से लगा हुआ है बाबा सिद्दीकी, ये लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे, क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि कुछ साल पहले जोधपुर में सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और ये जो काले हिरण होते हैं इसको बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और उसकी पूजा करता है। लॉरेंस बिश्नोई उसी समाज से आता है, तो कई साल पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी कि मैं सलमान खान का खून कर दूंगा और उसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। कुछ लोगों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा भी गया था सलमान खान के मतलब गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के आसपास। तो सलमान खान पर तो शुरू से ही खतरा है और उनको बच के रहना भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दे, क्योंकि उनके साथ यदि कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी कि हिंदुस्तान अपने इतने बड़े फिल्म स्टार को नहीं बचा सका। लेकिन क्या वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, किंग खान कहे जाते हैं सलमान खान, क्या वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं? इस लॉरेंस बिश्नोई से ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि उससे अपनी सुरक्षा, सलमान खान जिनका एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही उनका अपना रुतबा रहता है, फिर भी जो है कि सलमान खान उससे डरते हैं। कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल करती है मीडिया तो वो इस बात से कटते हुए नजर आते हैं, लॉरेंस बिश्नोई पे खुल के कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, सुरक्षा एक बिल्कुल अलग चीज है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। सुरक्षा में तो देखिए इस देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं की हत्या हो गई, उनके अंगरक्षकों ने ही उनको मार डाला। तो सुरक्षा ये नहीं है कि वो बड़े मतलब फिल्म स्टार हैं तो वो सुरक्षा खुद कर लेंगे। देखिए, उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड्स भी है, शेरा जो उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड है वो तो काफ़ी मशहूर भी है, बिल्कुल सलमान खान के साथ परछाई की तरह रहता है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन तब भी सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए। जब कंगना रनौत जैसी औरत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल सकती है जो उल्टा सीधा बोलती रहती है, तो सलमान खान को क्यों नहीं? ये सलमान खान को भी वाई सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, और बाकी जो है कि एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई, आखिर जितना भी मर्डर बड़ा बड़ा देश में हो रहा है सब लोग लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है और वो व्यक्ति जेल में है, तो हमको कहीं तक लगता है क्या ये कुछ जितना काम रियल में रियलिटी में नहीं होता है उतना क्या अफवाहें उड़ा दी जाती है? लॉरेंस बिश्नोई ये काम नहीं भी किया है तो हाँ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का पाव है, क्या है क्या है, ये कुछ अफवाहें नहीं उड़ाई जाती? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। जैसे कि अपना भोकाल टाइट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई खुद ऐसी ऐसी बातें उड़ाता है। अब जैसे मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ यूट्यूब वाले भी चला रहे थे कि अतीक अहमद की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं कराई, है ना। अब तो ये हो जाएगा कि जिसकी हत्या हुई लॉरेंस बिश्नोई नहीं, जितने भी देश में बड़े लोगों की हत्या हो जाए लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, तो वो भी होता है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, कोई कुछ नहीं उसका कर तो हो सकता है उसने किसी की हत्या कराई भी हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि सारी हत्याएं वही करवा रहा है। कुछ तो ये गैंग वाले जानबूझ के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ऐसी बातें उड़ाते हैं। उनका भी समझिए कि एक जनसंपर्क विभाग रहता है माफिया का भी, जो खौफ पैदा करने के लिए उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर मतलब पेश करता है। ये बात आपकी सही है, ये भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, साइकोलॉजिकल वार होता है अपने विरोधियों को डराने के लिए और अपना खौफ पैदा करने के लिए।